दोस्तों आज छठा नवरात्रा है और आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनके शहद का भोग लगाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रिकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्च्यून में स्वागत है। अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए चलते हैं, मैं आज बताती हूँ माँ कात्यायनी की कहानी और उनको शहद का भोग लगाने के क्या उपाय हैं और उन उपाय को क्या फ़ायदे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन भक्ति भाव से आराधना की जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर को वध किया था। दोस्तों कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। माँ कात्यायनी देवी का रूप बहुत ही आकर्षक है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उनको शहद बेहद पसंद है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन भक्ति भाव से आराधना की जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महर्षि कात्यायन के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। माँ कात्यायनी देवी का रूप बहुत आकर्षक है। इनका शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी की 4 भुजा और उनकी सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानव, असुर और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है जो उन्हें बेहद पसंद है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह देरी हो रही है शादी होने में, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे उनका विवाह जल्दी और अच्छा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद माँ कात्यायनी देवी देती है। मान्यता है कि माँ का ध्यान गोधूली बेला यानी शाम के समय में करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश कर रोगों से भी मुक्ति दिलाती है। माँ को पान और शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों माँ कात्यायनी देवी को जो खीर बनाई जाती है वो इस तरह से है। उसकी सामग्री ये है, दूध, व्रत वाले चावल, सामग्री चावल जिनको बोलते हैं, शहद, इलायची, ड्राई फ्रूट्स। आप जो ये खीर बनाएंगे इसमें चीनी न डालकर आपको शहद डालना है, क्योंकि माँ कात्यायनी देवी को शहद की बनी खीर बेहद पसंद है। खीर को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध और चावल को डालकर उबाल लें। धीमी आँच में चावल और दूध को पकाएँ। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें शहद, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डाल के मिला लें। इसके बाद गैस बंद कर इसे ठंडा करें और फिर माँ को भोग लगाएं। माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है नवरात्रि के 6वें दिन यानी आज। सबसे पहले उठकर स्नान आदि करके माँ कात्यायनी को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। माता को पीले रंग का कपड़ों से सजाएं। फिर माता की पूजा बाकी दिनों की तरह ही करें। इस दिन पूजा में दिन शहद का प्रयोग करें। माँ को भोग लगाने के बाद इसी शहद से बने प्रसाद को ग्रहण करना शुभ माना जाता है। दोस्तों माँ कात्यायनी देवी को शहद चढ़ाने से जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है, उनके विवाह बहुत शीघ्र होते हैं और सुयोग्य वर प्राप्त होता है उनके आशीर्वाद से। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।